हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 24th लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और आज हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो 1920 से स्टार्ट हो गई थी वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने 1905 में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई थी वो देख ली है। इट इज़ अ सेकेंड फेज नाउ टुडे विच वी आर गोइंग टू स्टडी। इट इज़ अ सेकेंड फेज, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़े जो लीडर्स हैं जैसे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। तो आज हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का सेकंड फेज स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जो रिकैप है, ठीक है, आज तक इंडिपेंडेंट मतलब 1905 से जो एक्टिविटीज़ हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने से पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1885 को फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो जाता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बाद में दो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है। दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है, ठीक है। एक का मानना था कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करो, पिटिशन डाल के हम ब्रिटिशर्स से हमारा जो अधिकार है वो हम ले सकते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि बायकॉट करो, राइट। तो 1905 में को क्या होता है कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है बाय पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, और 1908 में सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट में क्या होता है, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है, उन आइडियोलॉजी की वजह से इन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं और सूरत स्प्लिट हो जाता है। ये ऐसा नाम क्यों पड़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो सूरत में हुआ था 1908 में, ठीक है, वहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस हुआ था। उसके बाद 1900 से 1912 तक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का फेज फर्स्ट हमने स्टडी किया है, राइट। उसके बाद 1912 टू 1915 बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे गदर मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, राइट। ये सब जो एक्टिविटीज़ है ये इट इज़ अ वन पार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब वो एब्रॉड में जाके बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टडी कर रहे थे, जैसे बॉम्ब बनाना, जो गन्स होती है, गन्स की सप्लाई करना इंडिया में, ये सब एक्टिविटीज़ जो लीडर्स थे गदर मूवमेंट के वो कर रहे थे उस टाइम, राइट। उसके बाद होम रूल मूवमेंट आता है 1916 टू 1918। उसके बाद में लोकमान्य तिलक की डेथ हो जाती है और एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। और वो वैक्यूम फील करते हैं गांधी जी, तो गांधी जी का एरा स्टार्ट होता है, राइट। गांधी जी आते हैं 1915 को। उसके बाद एक साल पूरे इंडिया का रूरल एरिया का सर्वे करके वो सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो 1917 को चंपारण सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद 1918 को अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, राइट। लेकिन उस वक्त बाकी के जो एक्टिविटीज़ हो रहे थे वो क्या हो रहे थे कि जब गांधी जी आए इंडिया में तब मॉडरेट्स का एरा चल रहा था, राइट। तिलक जेल में थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा था यहाँ पे, राइट। तो जब गांधी तिलक जेल से बाहर आ गए, ठीक है, तो उन्होंने भी होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया। तो 1916 टू 1918 का जो एरा था वो साइमल्टेनियसली होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था और गांधी जी का चंपारण्य, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह भी चल रहा था, ठीक है। तो जब मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म आया था 1919 का, तो उस वक्त साइमल्टेनियसली लोकमान्य तिलक की डेट हो जाती है और यहाँ पे होम रूल मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रोल एक्ट गवर्नमेंट पास करता है, राइट। और उसके अगेंस्ट में, ठीक है, डिसकंटेंट बढ़ने की वजह से रोल एक्ट सत्याग्रह हो जाता है, गांधी जी रोल एक्ट सत्याग्रह करते हैं, राइट। तो 1920 में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जालियनवाला बाग मैसेकर, राइट। तो उसके अगेंस्ट में और जो खलीफा है, ठीक है, खलीफा का जो थ्रोन है वो भी उसे छीना जाता है। तो यहाँ पे दोनों का डिसकंटेंट, हिंदू का और मुस्लिम का, यहाँ पे एक साथ आके वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, राइट, 1922 तक। तो यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड हो जाता है और इसे गांधी जी को अरेस्ट करते हैं 1922 को, ठीक है। तो गांधी जी जेल में जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से जो पीपल का डिसकंटेंट है वो तो बढ़ रहा था,
राइट। तो यहाँ पे मॉडरेट्स के ग्रुप में भी दो ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, एक प्रो चेंजर और एक नो चेंजर। प्रो चेंजर स्वराजिस्ट होते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि हमको गवर्नमेंट के काउंसिल में एंट्री लेके चेंजेस लाने चाहिए, और नो चेंजर्स क्या बोलते थे, नहीं हमको गवर्नमेंट को बायकॉट करना चाहिए। ठीक है, अब उनमें भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, लेकिन बाद में होता क्या है, जैसे जैसे ये सिर्फ 1-2 साल ही चला, ठीक है, जैसे स्वराजिस्ट को बहुत मेजोरिटी में वोट्स मिल रहे थे वगैरह, ये सब चीज़ें हो रही थी, तो 2 साल तक ये चला। और उसके बाद में सी आर दास की डेथ होने के बाद में स्वराजिस्ट भी वीक हो जाती है 1924 1926 तक। और अगर हम उसके कंटेम्प्रेरी इशू की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके कंटेम्प्रेरी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 हो, तो उसके वक्त साइमल्टेनियसली गांधी जी तो नॉन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, राइट, मतलब नॉन वायलेंट वे में। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि नॉन वायलेंट वे में अगर हम करेंगे तो बहुत देर लगेगी, हमको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फॉर्म करनी चाहिए। और साइमल्टेनियसली रशिया में भी 1917 का रशियन रिवोल्यूशन आ रहा था, ठीक है, वो बहुत ही सक्सेसफुल रिवोल्यूशन था रशियन रिवोल्यूशन। अंडर दैट रिवोल्यूशन रशिया ने बहुत सारे एरियाज कैप्चर किए थे, राइट, उसका बहुत सारा एक्सटेंड बढ़ा दिया था, ठीक है, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे यंग रिवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे उनके ऊपर पड़ा था, तो उन्होंने भी इंडिया में वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सेम मोटिवेटेड होके रशियन रिवोल्यूशन से उन्होंने इंडिया में स्टार्ट की थी। स्पीड साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ दी दैट रशियन रिवोल्यूशन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हमारे इंडिया में स्प्रेड होने लगी, और उससे फॉर्म हुआ रिसर्जेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब रोलैट एक्ट हो गया, उसके अगेंस्ट में रोलैट सत्याग्रह हुआ, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड गांधी जी इनटू जेल, राइट। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है, तो सेकेंड फेज जो स्टार्ट हुआ था रिवोल्यूशन एक्टिविटीज का, वो स्टार्ट होता है गांधीयन एरा से, ठीक है, जब रिवोल्यूशनरी सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है और गांधी जी जेल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है लीडरशिप का, राइट। तो रिवोल्यूशनरी जो लीडर्स होते वो सोचते अब ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि हमको एक्टिवेट होना चाहिए, और एज पर द रशियन रिवोल्यूशन वी शुड ऑल्सो फॉर्म सम कम्युनिस्ट ग्रुप इन इंडिया एंड वी शुड प्रोपोगेट कम्युनिस्ट पार्टीज, और उनकी जो आइडियाज़ है वो हमको प्रमोट करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो चलो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या क्या हो गई थी हमारे इंडिया में, और वो कैसे कैसे गवर्नमेंट ने कर्व कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो था 1900 का रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, वो हमने कल देख लिया था, राइट। आज हम 1920 का सेकेंड फेज यहाँ पे देखेंगे। तो अगर रिवोल्यूशनरी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड के ऊपर होगा, या तो रिवोल्यूशनरी जो लीडर्स हैं उनके नाम पूछे जाएंगे, या तो उनके उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए हैं या तो उनके नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से इवेंट कहाँ कहाँ पे किए, ठीक है, मतलब कौन सी कंस्पिरेसी केसेस कहाँ पे हुई थी और उसमें लीडर कौन कौन इन्वॉल्व थे, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे थी, इंडिया में थी या अब्रॉड में थी, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से बुक पब्लिश किए, न्यूज़पेपर मैगजीन क्या पब्लिश किया है और कहाँ पे किया है, ठीक है, उनके नाम पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट कैसे हुई, सो व्हाई इट वॉज सडन इंक्रीज इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, कि हमने देखा कि इट वॉज फेज दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुई थी, राइट, गांधी जी ने मतलब गांधी जी जेल गए थे, राइट, तो जो डिसकंटेंट था पीपल्स के बीच में वो तो बाहर उभर के आ रहा था, राइट, तो एक लीडरशिप नहीं था प्रॉपरली, तो यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे, ठीक है, और साइमल्टेनियसली कम्युनिज्म बढ़ रहा था, रशियन रिवोल्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल माना जा रहा था तब के टाइम में, राइट, तो इसीलिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, एंड साइमल्टेनियसली स्प्रेड ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिस्ट आइडियाज दे हैव इंस्पायर्ड बाय दी सोवियत रिवोल्यूशन ऑफ 1917, अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लासेस, ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर द वॉर, राइज ऑफ
कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ग्रुप, ये सब जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है, इट वॉज मोटिवेटिंग द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टू इंक्रीज देयर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोशल वर्किंग क्लास जो था वो उभर के बाहर आ रहा था, राइट, ट्रेड बढ़ रहा था आफ्टर द वॉर, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, ठीक है, जो भी ट्रेड हो रहा था उसकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, इसीलिए इंडिया में जो डिसकंटेंट बढ़ रहा था, ठीक है, वो भी एक रीज़न था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ने का। सो यहाँ पे राइज ऑफ लेफ्ट विंग बढ़ रही थी विद इन दी कांग्रेस। अगर दूसरा रीज़न की बात हम करें तो सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, ये भी एक रीज़न था। नॉट अट्रैक्टेड टू द पार्लियामेंट्री वर्क ऑफ स्वराजिस्ट एंड ऑल्सो ऑफ नो चेंजर, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मोमेंट खत्म होने के बाद में मॉडरेट्स में दो ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, एक प्रो चेंजर, उसको हम स्वराजिस्ट बोलते हैं, और नो चेंजर, राइट। अब उनमें भी वो मतलब ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं थे कि चलो हम पार्लियामेंट में एंट्री ले, उसके बाद में उस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करें और एक्ट थ्रू जो भी गवर्नमेंट एक्ट्स बना रहे, ठीक है, अगर वो इंडिया के फेवर में है तो हम उनको सपोर्ट करें, नहीं है तो ना सपोर्ट करें, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी वो तो गवर्नर के पास थी, इसीलिए काउंसिल में एंट्री लेके भी ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, ये जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनको मालूम था, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए स्वराजिस्ट के साइड में भी और नो चेंजर के साइड में भी, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा ट्रैक इम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने बहुत सारे उनके जर्नल्स, नॉवेल्स, बुक पब्लिश करना स्टार्ट किए थे, और उसमें उन्होंने सेल्फ सैक्रिफाइस करनी चाहिए हमको, ठीक है, हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने एक कॉलोनी बना ली है, और इसलिए हमको सेल्फ सैक्रिफाइस करके उसको आज़ाद करना है, ये उनके थॉट्स थे, ठीक है। और वो उनके थॉट्स जर्नल से, नॉवेल से या उनके बुक से वो प्रोपोगेट कर रहे थे, ठीक है। बुक्स लाइक आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली, ये सब जो बुक्स थे उनके थ्रू वो उनकी जो आइडियाज़ थी वो प्रोपोगेट कर रहे थे। अब एक रिवोल्यूशनरी लीडर है सचिन सान्याल, ठीक है, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उसका नाम है बंदी जीवन, और पार्थर दाबी, ये किसने लिखा था, शरद चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात करें कि फेज़ वन में क्या डिफरेंस था और फेज़ टू में क्या डिफरेंस है, दोनों रिवोल्यूशनरी क्या अलग अलग है या सेम है, ठीक है, तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो बोथ वेर एडवोकेटेड अ रेडिकल सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। दोनों भी यही बात प्रोपोगेट कर रहे थे कि ब्रिटिश कॉलोनी जो हमारे इंडिया में उन्होंने की है, ठीक है, इससे वो इकोनॉमिकली इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकली इंडिया को इनस्टेबल बना रहे, और सोशली भी पूरा का पूरा हमारा सोसाइटी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो वो इस चीज़ों को एडवोकेट कर रहे थे, और हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये वो प्रमोट कर रहे थे, राइट। अगर हम फेज टू रिवोल्यूशनरी की बात करें तो फेज टू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पूरे के पूरे नेशनलिज्म के ऊपर बेस है, एंटी इंपेरियलिज्म के ऊपर बेस है, एंड सोशल जस्टिस के ऊपर बेस है, ठीक है। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ही वॉज डाउन विद द इंपेरियलिज्म, राइट, इनकलाब, जिंदाबाद, सिर्फ स्वराज, 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 राइट। ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल क्लास ऑपरेशन बाय कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ना कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत मेजर रोल प्ले किया है, ताकि बल्कि जो अपर क्लास ग्रुप है, जो लोअर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, सप्रेस कर रहा था लोअर क्लास को, उनको भी उन्होंने मतलब फोकस में लाया कि ये बहुत गलत हो रहा है, हमको एक साथ सबको आके रहना चाहिए और सबको एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाके ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देना चाहिए। अब
अगर हम मेजर एक्टिविटीज कंसिडर करें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज टू में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं एम एन रॉय, ठीक है, मानवेंद्रनाथ रॉय, ये एक बहुत बड़े लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर, और ये रशिया में रहते थे, ठीक है, और रशिया में रह के इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की एट ताशकंद, ठीक है, तब ताशकंद की ये रशिया की बहुत मेजर सिटी थी। अब ताशकंद जो है वो उज़बेकिस्तान की कैपिटल है, राइट। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है बाय एम एन रॉय, और उसमें अबानी मुखर्जी ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बहुत मेजर एक्टिविटी हो जाती है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, उसको हम कानपुर कंस्पिरेसी केस भी बोलते हैं, ठीक है। अब 1924 में क्या होता है, न्यू कम्युनिस्ट वेयर ट्राइड बाय दी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो कानपुर कंस्पिरेसी केस हुई थी उसमें जो लीडर्स थे उनका नाम क्या था, एसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सब कानपुर कंस्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे। उसके बाद मीरठ कंस्पिरेसी केस हुई थी 1929 में, इसमें क्या हुआ था, 31 लेबर लीडर्स वेर अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कंस्पिरेसी एंड 3 इंग्लिश मेन्स ऑल्सो इंक्लूडिंग इन 31, ये भी मीरठ कंस्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे। यहाँ पे हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया था, राइट। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या है, कल हमने डिस्कस किया था, राइट। पब्लिक सेफ्टी बिल के अंडर विदाउट द ट्रायल गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, राइट। तो ये बिल पास होता है और उसके अंडर वो उन्होंने क्या किया था कि जो भी फॉरेनर पीपल्स इंडियन पीपल्स को सपोर्ट कर रहे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको वो डिपोर्ट कर रहे थे फॉरेन में, ठीक है। आप यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए आए हो तो एंजॉय करो, इंडियन पीपल्स को सपोर्ट मत करो, ठीक है, ये गवर्नमेंट का मानना था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल के अंडर गवर्नमेंट ने जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आते थे और इंडियन पीपल्स को सपोर्ट कर रहे थे उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए ये मतलब मीरठ कंस्पिरेसी केस से ये चीज़ें सामने आई। उसके बाद अगर हम सेकेंड रिवोल्यूशनरी फेज में मेजर एक्टिविटीज़ देखें तो वो सब मेजर एक्टिविटीज़ पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल, इन चार जगह पे ही बहुत मेजर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, राइट। तो सबसे पहले हम पंजाब, यूपी और बिहार में जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हुई थी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूपी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है कानपुर इन 1924। लेटर इट वाज आल्सो रीनेम्ड एज अ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, मतलब सोशलिस्ट नाम ऐड किया जाता है। अब सोशलिस्ट नाम क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में फॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक जो मेन लीडर्स है कानपुर के, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, ये सब लीडर्स एक साथ आके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म करते हैं एट कानपुर, ठीक है। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट के सामने ये आता है कि ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं और बहुत सारी कंस्पिरसीज उन्होंने की है, तो इन सबको गवर्नमेंट एक तो फांसी देता है या इनको मार देता है, ठीक है। तो ये जो लीडरशिप है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, ये यंग जनरेशन के हाथ में आती है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके हाथ में आती है। तो ये जो लीडर्स है ये जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था इससे बहुत ही इंस्पायर्ड थे, मोटिवेटेड थे, तो इन्होंने सोशलिस्ट नाम इस नाम में ऐड कर दिया, तो ये नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन लीडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये मेजर लीडर्स थे उस टाइम के, ठीक है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म करने का एम क्या था, एम वॉज टू ऑर्गेनाइज आर्म रिवोल्यूशन, ठीक है, हमारे इंडिया में से जो पीपल्स है, ठीक है, उनको एक साथ लाके एक आर्म रिवोल्यूशन फॉर्म करना, टू ओवर थ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट, टू इस्टैब्लिश इन इट्स प्लेस अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया हुज बेसिक प्रिंसिपल वुड बी अ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये
चार मेजर रोल थे यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो इन्वॉल्व होता है एक रॉबरी, काकोरी रॉबरी में। उसको रॉबर काकोरी कंस्पिरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। 19 अगस्त 1925 को होता क्या है, जो ब्रिटिश ट्रेन होती है राइट, वो उसमें ऑफिशियल रेलवे कैश होता है। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेन जो लीडर्स थे वो क्या करते हैं, इस रेलवे कैश को लूट लेते हैं। तो यहाँ पे इन सबको यहाँ पे फांसी हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को जेल हो जाती है यहाँ पे इस काकोरी रॉबरी में। रिवोल्यूशनरीज, इट वॉज लेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। ही लूटेड दैट रेलवे कैश एंड ब्रिटिश ट्रेजरर फ्रॉम द ट्रेन एट द काकोरी नियर दी लखनऊ, एंड सो ही वॉज जेल्ड एंड हैंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि वो ट्रेन क्यों लूटना चाहते थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिश ट्रेजरी जो थी उनको क्यों लूटना चाहते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, पैसे जब आएंगे तो ही वो सिर्फ जो उनको आर्म रिवॉल्यूशन करना था उनको, ठीक है, वो आर्म्स खरीद के यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर सकते थे अगर कैश है तो। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी जो थी वो यहाँ पे लूटी थी। इसमें जो लीडर्स थे उनका नाम है यहाँ पे, ठीक है, ये केस 19 अगस्त को हुई थी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो आपको कॉन्स्पिरसी केसेस पूछे जाएंगे और उसके लीडर्स जो है मेन लीडर्स उनके नाम यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। मतलब क्या कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सभी लीडर्स यहाँ पे जेल में जाते हैं और उनको हैंग किया जाता है। तो उसके बाद में एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वो वैक्यूम क्रिएट ना हो इसीलिए ये जो यंग रिवोल्यूशनरी लीडर्स है वो उनका नाम चेंज करके इसी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला, ही वॉज लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, एंड वर्क अंडर कलेक्टेड लीडरशिप एंड अडोप्टेड सोशलिज्म एज इट्स ऑफिशियल गोल, ठीक है। अब ये तो मोटिवेटेड थे रशियन रिवोल्यूशन से, तो उन्होंने सोशलिज्म एज अ प्रिंसिपल गोल अपनाया था, राइट। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था HSRA, उनके लीडर्स कौन कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, बिजॉय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा एंड जयदेव कपूर, ये सब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर थे। यहाँ पे उनके अंडर लाहौर कंस्पिरेसी केस हो जाती है, ठीक है। अब ये लाहौर कंस्पिरेसी क्या होती है, ठीक है, 1928 को क्या होता है, साइमन कमीशन इंडिया में आता है, ठीक है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। अब इंडियंस का मानना था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और उसमें एक भी इंडियंस नहीं है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में फॉर्म करनी है उसमें सभी जो लीडर्स है वो इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए साइमन को साइमन गो बैक, राइट, आपने ये देखा होगा साइमन गो बैक, साइमन कमीशन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे साइमन कमीशन जब लाहौर में विजिट किया था, ठीक है, तब लाला लाजपत राय इनके लीडरशिप के अंडर एक प्रोटेस्ट हुआ था बहुत बड़ा अगेंस्ट द साइमन कमीशन। इट वॉज अ साइलेंट नॉन वायलेंट मार्च, बट पुलिस रिस्पॉन्डेड टू दिस वायलेंटली। और यहाँ पे क्या होता है कि लाला लाजपत राय के ऊपर वो लाठी चार्ज करते हैं और उनके छाती पे मारते हैं, ठीक है, और उनको बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है और उस इंजरी की वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भगत सिंह आई विटनेस होते हैं इसके और वो यहाँ पे रिवेंज लेने की वो लेते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा।
ये होता है लाहौर कंस्पिरसी केस, और इसके रिस्पांस में वो सौंदर जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वहाँ का लाठीचार्ज का, उसको मार देते हैं 1928 में। इसी को लाहौर कंस्पिरसी केस बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मूवी का शॉट है, राइट। इसमें जो भगत सिंह है उनको यहाँ पे लाहौर कंस्पिरसी केस के अंडर में जेल भेजा दिया जाता है। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, ये सब इस लाहौर कंस्पिरसी केस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो हुई थी वो 1929 में हुई थी, राइट। अब ये क्या हुई थी कि उन्होंने सोचा कि चलो जो इंडियन पीपल से उनको जो हमारे चेंज्ड ऑब्जेक्टिव है वो मालूम होने चाहिए, और जो ब्रिटिशर्स है वो भी अवेयर होने चाहिए कि अब हम वीक नहीं रहे, ठीक है। ये मेन गोल था, और उसकी वजह से उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया टू थ्रो दी बॉम्ब इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। तो ये जो फिलोसॉफी थी बॉम्ब की, इट वॉज रिटर्न बाय भगवती चरण वोहरा, ठीक है। मतलब क्या कि जो बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी, मतलब बाद में जब वो उनको जेल हुई थी तो उन्होंने बताई थी वहां पे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे जो भगत सिंह के अंडर में जो कॉमरेड्स थे उनके, वो यहाँ पे सब जेल में जाते हैं बिकॉज ऑफ दी लाहौर कंस्पिरेसी केस और थ्रोइंग दी बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे भगत सिंह जो थे उनकी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग इनका बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। बहुत ही कम उम्र में बहुत मैच्योरिटी थी इनमें, और बहुत सारी मतलब रीडिंग्स करते थे वो बुक की, ठीक है। तो ये बहुत मतलब इनका जो नॉलेज था बहुत ब्रॉड था। रिवोल्यूशन वुड ओनली बी बाय दी मासेस, फॉर दी मासेस। इनका ये भी मानना था कि अगर हमको रिवोल्यूशन लाना है तो सब लोगों को इन्वॉल्व करके ही रिवोल्यूशन आ सकता है, किसी एक लीडरशिप के अंडर रिवोल्यूशन नहीं आ सकता। तो सबको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो इसकी वजह से, मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया, इस्टैब्लिश द पंजाब नौजवान भारत सभा इस्टैब्लिश की थी 1926 में। भगत सिंह, सुखदेव ऑल्सो ऑर्गेनाइज द लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क अमंग्स दी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेजर रोल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मेन रोल क्या था इसमें, ठीक है। इट स्टूड फॉर एबोल्यूशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स विच मेड एक्सप्लॉटेशन ऑफ मेन बाय मेन पॉसिबल। मतलब जहाँ जहाँ पे करप्शन हो रहा था, ठीक है, वो सिस्टम पूरी एबॉलिश करनी है। इट हैड ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो अपर क्लास थे, जमींदार थे, वो लेबरर्स को, पीजेंट्स को सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो उनको भी सपोर्ट करना, लेबरर्स को और पीजेंट को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करना एंड वर्क फॉर दी ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म रिवोल्यूशन। और बाहर से बहुत सारी नई नई टेक्निक जो हो रही है, बॉम्ब बनाने की टेक्निक, गन्स बनाने की टेक्निक, वो सीख के आना और इंडिया में वो फॉर्म करना, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाना बॉम्ब बनाने की, गन मेकिंग की। दिस रिवोल्यूशनरीज हैव स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन एंड टेररिज्म टुवर्ड्स अ मास पॉलिटिक्स एंड मार्क्सिज्म। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इन्होंने तो बहुत सारी पढ़ाई की होती है, राइट। मतलब क्या, पहले रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में क्या हुआ था, सिर्फ आर्म्स एंड एमुनेशंस के ऊपर लड़ाई चल रही थी, राइट, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। लेकिन ये जो सेकंड फेज था भगत सिंह का, ठीक है, ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मास को भी कंसिडर कर रही थी, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी। जो भी मतलब हमको कुछ करना है तो सिर्फ अकेले करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सब पीपल अगर इन्वॉल्व होंगे उसमें तभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद मास पॉलिटिक्स और मार्क्सिज्म की ओर ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। और इसके बीच में ही भगत सिंह ने उसकी खुद की
की किताब भी लिखी है, दैट व्हाई आई एम एन अथिस्ट। इसमें इन्होंने बताया कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता। ये भी बुक बहुत अच्छी है, आपको अगर टाइम मिला तो आप पढ़ सकते हो उसे भी, ठीक है। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पे लाहौर कंस्पिरेसी केस और बॉम्ब थ्रोइंग द बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दो चार्जेस में जेल हो जाती है और उनको हैंग किया जाता है। अगर हम सेकेंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें बंगाल की, तो बंगाल में रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो रीऑर्गेनाइज हुए थे, दे वेयर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, ठीक है। वो ओपनली एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे एंड मेनी कंटिन्यूड वर्किंग अंडर दी कांग्रेस, ठीक है। मतलब क्या कि कांग्रेस के अंडर भी बहुत सारे जो लीडर्स थे वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अगर हम बंगाल की स्पेसिफिकली बात करें तो एसेसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द नोटोरियस कलकत्ता पुलिस कमिश्नर्स चार्ल्स तिगार्ड बाय गोपीनाथ शाह इन 1924, ये एक इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता का जो पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स तिगार्ड, उसको एसेसिनेशन का अटेम्प्ट किया था, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा ही आदमी यहाँ पे मर गया था, लेकिन उसके चार्ज में गोपीनाथ शाह को भी यहाँ पे जेल हो जाती है। उसके बाद चिटगांव आर्मरी रेड 1930 को हुई थी और इसके जो मेन लीडर थे वो सूर्या सेन थे, ठीक है। सूर्या सेन ये एक बंगाल के मेन लीडर थे, लेकिन ये क्या करते थे कि वो पढ़ा रहे थे, जो भी नेशनल स्कूल्स थे उस नेशनल स्कूल्स में टीचर थे ये, ठीक है। और ये भी चिटगांव आर्मरी रेड में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, इसके अंडर ही ये रेड हो जाती है, ठीक है। एंड इसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वुमन्स होता है, यंग वुमन्स लाइक कल्पना दत्त और बहुत सारी लीडर्स थी, जैसे प्रीतिलता वधेदार, वुमन प्रोवाइडेड शेल्टर, कैरिड मैसेजेस एंड फॉट विद द गन्स इन हैंड, ये काम वुमन्स करती थी वहाँ पे। बहुत सारी जो महिला जैसे प्रीतिलता वधेदार, कल्पना दत्ता, शांति घोष, सुनीति चंदेरी, ये सब जो वुमेन्स चिटगांव आर्मरी रेड में पार्टिसिपेट हुई थी, इन सब को भी जेल हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1922 से 1930 तक ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही थी, राइट। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वैक्यूम, लैक ऑफ लीडरशिप। गांधी जी तो जेल में चले जाते हैं तो यहाँ पे एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। तो उसके बाद में गांधी जी जब जेल से बाहर आ जाते हैं तभी लीडरशिप, मतलब जो एक्टिविटीज़ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी वो भी चल रही थी साइमल्टेनियसली, जस्ट लाइक काकोरी कंस्पिरेसी हो गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था, राइट। ये भी साइमल्टेनियसली हो रहे थे और साइमल्टेनियसली पॉलिटिकल जो आउटब्रेक हो रहा था वो भी हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय मॉडरेट्स, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंट ऑफ 1930, ये सब एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली पैरेलली चल रही थी विद द साइमल्टेनियस ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। और 1927 को एक मुस्लिम लीग जो है उसका भी प्रपोजल आता है, ठीक है। जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बाद में साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ये जो दो मेजर इवेंट है वो हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।